हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस एम मिनीचर। तो ये मेरी बस की प्रोसेस है, पेंटिंग वर्क हो गया है। ये डैशबोर्ड है और ये सीट है, ड्राइवर सीट, ये बोनेट। अभी बस में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, अभी इसको फॉरवर्ड की साइड में मैं प्रेस करूँगा बटन को, तो आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक से नहीं बढ़ेगी, एकदम स्लो स्लो चलेगी। देखो तो इसका प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आइए देखते हैं। पहले बस को इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो मैं बस को उल्टा कर लेता हूँ। तो ये मैंने बस का नीचे का हिस्सा ऊपर ले लिया है, अभी तो ठीक ही लग रहा है, पर नहीं काम कर रहा तभी नहीं करता है, थोड़ा हल्का सा प्रेस करते ही। शायद इधर तकलीफ होगी, मैं चेक कर लूँगा खोल के। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे फ्रेंड्स लोग वीडियो देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें और नीचे कमेंट भी ज़रूर कीजिए। यहाँ से हम ये डिफरेंशियल का जो लॉक होता है उसका स्क्रू खोल लेंगे, फिर बाद में इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। पहले इसको खोल लेते हैं ठीक से, और इसके स्क्रू बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसको पहले साइड में कर लेते हैं। और ये मैंने जैसे इंडियन स्केल आर्ट से परचेस की हुई है। मैं अपने काम में थोड़ा बिजी था, तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं रख पा रहा था, इसलिए सॉरी। मेरे जितने भी थोड़े से सब्सक्राइबर हैं उनको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, पर आप मेरे 1000 सब्सक्राइब करने में आप ही मेरा मदद कर सकते हैं। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह आरसी लवर है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट कीजिए नीचे आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, ये रहा इसका प्रॉब्लम, जो ये है ना, ये लूज़ हो गया है। ये डिफरेंशियल के आगे जो इसका जॉइंट है, और जहाँ से इसकी पकड़ रहती है वहाँ से वो लूज़ हो गया है, तो हमें उसको कुछ भी करके टाइट करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा देख लेता हूँ मैं क्या करना है और क्या नहीं। इससे तो वर्क करेगा, पर जब कभी इसे पीछे हट जाएगा तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, ये आगे आने पर ऐसे टाइट रहता है। सो फ्रेंड्स, ये मुझे इसकी चेसी निकालनी पड़ी पूरी फाइनली। अब सब देख पा रहे, टायर भी निकले हुए, सब पूरा खोलना पड़ा। प्रॉब्लम इसके डिफरेंशियल के अंदर है, इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा मुझे। लेट्स सी आगे क्या होता है, अंदर कुछ खराब डैमेज ना हुआ हो।
ओके फ्रेंड्स, ये सब मैंने इसके नट से वो निकाल दिए हैं। अभी इसके स्प्रिंग्स रिमूव करने हैं। देख पा रहे हैं निकल चुके हैं। ये अंदर से कुछ इसकी तकलीफ है, आई इसको खोलना पड़ेगा। अभी पहले सिंपली हमें ये सब ये स्क्रू खोलने हैं। ये सब ये देखिए, तो मैं खोल के आपको बाद में दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने ओपन कर लिया है। लेट्स सी। ओके, तो इसका ग्रीस लगा हुआ है पूरा और ये भी ठीक ठाक ही है। देख पा रहे हैं आप, अंदर ये स्टील का है। मजबूत है पूरा, सिर्फ एक केस ही प्लास्टिक का है, बाकी सब अंदर स्टील का ही है। ग्रीस भी प्रॉपर लगी हुई है, तो मुझे लगता है शायद इसमें इस गियर में प्रॉब्लम है, तो इसको टाइट करना पड़ेगा। इसको ऊपर से ऐसे पुश करेंगे और नीचे से फर्स्ट पे से लगा के ऊपर से पुश कर देंगे हम। ये पूरा प्रॉपरली टाइट हो गया है, बाकी इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्रीस लगाना हो तो थोड़ा ऐसे साइड में से लेके उसमें ऐसे लगा दिए। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी अभी ये जैसा था वैसे ही हम इसको टाइट कर देंगे प्रॉपरली। ओके, ये मैंने अभी थोड़ा पुश करके देखा तो ये थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, बाकी ऐसे नहीं घूमता कुछ। तो फ्रेंड्स, ये जो इसका गियर है, ये देखो ये वाला छोटा सा डिफरेंशियल के जो आगे के साइड लगता है इसके अंदर, तो ये गियर का जो अंदर का ये अंदर इसको पुश किया हुआ है। ये रोड है छोटी सी, इसको इसने पुश किया हुआ है, इसलिए वो अपनी ग्रिप नहीं बना पा रहा है, छोड़ दे रहा है ग्रिप। तो हमें उसको अभी क्लीन करके पूरा अच्छे से वॉश करके फिर बाद में इसको अंदर से चेक करना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको क्लीन करके आता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने इसको वॉश करके ले लिया है। ये आप देख पा रहे होगे शायद,
पूरा ऐसे घूम रहा है अंदर की तरफ। ये रोड के अंदर छोटा सा गैप है, इसमें नहीं दिखेगा शायद आपको, पर छोटा सा गैप है, तो इसमें शायद आप जो आता है तार आता है, जो पेपर की क्लिप आती है उसका जो पतला सा तार आता है उसमें आप फिट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें जो एरलडाइट आता है, जो पत्थर चिपकाने में या फिर आपके घर पे जो टाइल्स लगती है वहाँ पे लगाने का जो आता है, वो मैंने लगा दिया है इसमें। एक एक ड्रॉप लेके दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसके होल के अंदर मैंने इस रोड की सहायता से फिल करके फिर अंदर इसको सुखाने के लिए 4-5 घंटे मैंने रख दिया है। अभी एकदम मजबूत टाइट हो गया है, अभी आप कुछ भी करो ये खुलेगा नहीं। ये क्या, इसके बीच का जो ये रोड ये वाला हिस्सा होता है ये जो है वो घिस गया था, इसकी वजह से अपनी पकड़ छोड़ दे रहा था। अभी एकदम ठीक हो गया है, अरे मैंने क्लीन कर लिया है पूरा अच्छे से। तो जैसे ही हमने इसको ओपन किया था वैसे ही हम इसको पूरा बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और ग्रीस तो इसमें लगी हुई है, चलेगा अभी तो। बाकी आपके भी सर इंडियन स्केल आर्ट के डिफरेंशियल में ऐसा प्रॉब्लम आए तो ज़रूर से एक बार ठीक से चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर से ही वो जो आता है ये लॉक घिस चुका था। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर ये क्या आप ज़्यादा समय तक एक ही जगह पे रख के इसे बार बार आगे पीछे हिलाएंगे तो ये क्या मोटर की वजह से लॉक रहता है और सारा लोड इसके ऊपर आता है तो ये ख़राब हो जाता है। तो बस यही था आज का वीडियो, और ये है मेरी बस की प्रोसेस, पेंटिंग हो गई है। वाइट पेंट किया है और जो आगे के जो ये मैंने साइड में कॉर्नर्स बनाए हैं पीछे के साइड भी वो ग्रे कलर के रखे। अभी मैं कुछ ग्राफिक डिज़ाइन सोच रहा हूँ इसका, कोई अच्छा लगे तो मैं बना दूँगा। बाकी आप देख पा रहे हैं पूरी वाइट है, अभी अंधेरे में इसलिए थोड़ा पीलापन दिखेगा, बाकी प्योर वाइट है, आप देख ही पा रहे होगे। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये थी मेरी आज की डिफरेंशियल की वीडियो। और हाँ, अभी वीडियो के एंड में मैं इसको टेस्ट करके देखूँगा कि अभी कैसा वर्क कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।